तब हुआ है कि जम्मू सिटी में सुंजवा और चुआदी ये दो फॉरेस्ट एरियाज के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिसिंग हो गए, इनफैक्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, एक बहुत सीरियस हैपनिंग है जिसका जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से डायरेक्ट रिलेशन है, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा से डायरेक्ट रिलेशन है। वो कैसे है मैं उस पर व्याख्यान दूँ, डिटेल में बात करूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि यहाँ की सरकार का इस तरीके की चीज़ों में क्या रोल है। आप ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो आज गुम हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, उसे एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मत समझिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड ये जो गुम हुआ है उसे ये मत समझिए कि किसी दफ्तर से कुछ कागज केवल गुम हो गए। भारत सरकार की बात कर लें या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी सरकार की बात कर लें, जिस समय रोशनी स्कैम में जजमेंट हुई थी, जिस समय जम्मू पे हो रहे डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसका खुलासा हमने किया था, और जब से जुडिशरी का प्रेशर जजमेंट के बाद ये बढ़ गया था सरकार पे कि आप सरकारी जमीनें जो गलत तरीके से आवंटित की गई हैं, दी गई हैं, जिनकी ऑनरशिप दी गई है, और हमने ये साबित किया था कि धर्म विशेष को दी गई है, उन्हें वापस लीजिए, उसके बाद से ही सरकार और सरकारी तंत्र में बैठे हुए वो सबवर्सिव जिहादिस्ट षड्यंत्र रचना शुरू हो गए थे। आपको इस रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिस्ट्रक्शन को जोड़ना होगा सरकार की उस स्टेटमेंट से जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी कि जो रोशनी जजमेंट के खिलाफ कुछ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर से गए, जो यहां जम्मू संभाग में जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके फेवर में सरकार ने कहा कि रोशनी जजमेंट इनके खिलाफ हम अप्लाई नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इनसे जमीनें खाली नहीं करवाई जाएंगी, जो जो कोर्ट में आया है उससे जमीन खाली नहीं करवाई जाएगी। एक चीज। दूसरा, रोशनी जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन को रोकने के लिए जमीनें वापस ना लेनी पड़े इस सरकार को, उस प्रोसेस को स्टॉल करने के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में साल के अंत में दिसंबर 2020 के अराउंड एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। अब उस रिव्यू पिटीशन में ना ही जजमेंट पे कोई स्टे है, ना ही जजमेंट के आड़े कोई चीज आ रही है, लेकिन सरकार ने एक बहाना बनाया है कि चूंकि रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो हम रोशनी जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन वो भी एक समय तक ही आप जनता को, पिटिशनर्स को, कोर्ट को बेवकूफ बना सकते हो, मिसलीड कर सकते हो, प्रोसेसेस का अब्यूज कर सकते हो। जैसे जैसे प्रेशर अब बढ़ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि अब रेवेन्यू रिकॉर्ड भी गुम होना शुरू हो रहा है। सुंजवा, चुआदी, ये वो फॉरेस्ट एरियाज हैं जम्मू संभाग के जहां पे मुस्लिम घेटवाइजेशन हुई, जहां पे धर्म विशेष के एक लोगों को 96 ऑनवर्ड्स ही, इनफैक्ट 90s के बाद ही, एक सुनियोजित ढंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से, एक सबवर्सिव कंस्पिरेसी के चलते बसाने का काम चल रहा। आज आप जम्मू संभाग पे हो रहे डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद के सबूतों को वाइट वॉश करने का काम कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर दर्ज करके मैं आपको यह बता दूं कि सरकार वाइट वॉश करने के कार्य को बहुत कायदे से अंजाम दे देगी। एफआईआर दर्ज होगी, तफ्तीश होगी, और फिर यह साबित किया जाएगा कि यह उस पटवारी ने किया, उस अधिकारी ने किया, जाते 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 वहां तक लाइन पहुंचेगी जहां पे वो पटवारी, तहसीलदार, एसीआर वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो या तो मर गए होंगे या ऑलरेडी किसी केस में जेल में होंगे, तो फिर यह कहा जाएगा ये तो इन्होंने किया था, सबूत खत्म कर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट की जजमेंट को स्टॉल करने का एक नया तरीका जो उस समय इन्वेंट किया है, उसे सिरे चढ़ा लिया जाएगा और जम्मू की पीठ में फिर छुरा भोंका जाएगा। लेकिन यह केवल जम्मू की सुरक्षा का सवाल नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। हम कितने ही अपने वक्तव्यों में, कितनी ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, कितनी ही इंटरनेशनल फोरम पे इंडियन डायस्पोरा से, चाहे वो यूएस का हो, यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, उनसे बात करते हुए डिटेल में सबूतों के साथ ये सामने रखते हैं
कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अंजाम देने का कार्य चल रहा है। पाकिस्तान हो, ISI हो और तमाम मुल्क हो जो ये चाहते हैं कि रेड ऑफ इंडिया हो, जिसे इस्लामी हदीस में बैटल ऑफ खुरासान में एक बहुत बड़ी जंग माना गया है। एक थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूं, ज्यादा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मोटिवेशन मैं आपको बता रहा हूं, थियोलॉजिकल मोटिवेशन, हदीस। गजवाए हिंद की लड़ाई जीतने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को अंजाम देने का कार्य चल रहा है। पाकिस्तान हो, ISI हो और तमाम मुल्क हो जो ये चाहते हैं कि रेड ऑफ इंडिया हो, जिसे इस्लामी हदीस में बैटल ऑफ खुरासान में एक बहुत बड़ी जंग माना गया है। एक थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूं, ज्यादा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मोटिवेशन मैं आपको बता रहा हूं, थियोलॉजिकल मोटिवेशन, हदीस। गजवाए हिंद की लड़ाई जीतने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रिगेडियर्स की द्वारा लिखी गई किताबें और जो मिलिट्री ट्रेनिंग मैनुअल्स और जर्नल्स हैं उसमें यह कहा गया है कि हिमालय का इस्लामीकरण करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हिमालय का इस्लामीकरण नहीं होगा सनातन का इस्लामीकरण नहीं होगा। जब तक सनातन का इस्लामीकरण नहीं होगा 800 साल के बाद भी जो अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री है वो पूरा नहीं किया जाएगा, रेड ऑफ इंडिया, इस्लामाइजेशन ऑफ हिंदुस्तान। तो उसके चलते कश्मीर का इस्लामीकरण 90s में पूर्णता कर दिया गया, वहां से हिंदुओं का नरसंहार करके, सिखों का नरसंहार करके। नेक्स्ट टारगेट जम्मू संभाग था, तो जम्मू संभाग में तो 6 लाख पॉपुलेशन है, 6 मिलियन पॉपुलेशन, तो कैसे करोगे डेमोग्राफी का सॉल्ट? तो डेमोग्राफी का सॉल्ट कैसे करोगे? डेमोग्राफी का सॉल्ट का मतलब क्या? धर्म का अनुपात बदलना। किसी एरिया को अगर वो हिंदू मेजोरिटी है तो कुछ समय में उसे हिंदू माइनॉरिटी बना देना, मुस्लिम मेजॉरिटी बना देना, इस तरीके का षड्यंत्र चला। उसके लिए कानून तक बनाए गए, रोशनी कानून था जिसके जरिए स्टेट लैंड्स पे एक समुदाय विशेष के लोगों को बैठा दिया गया। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर था जिसके जरिए यह कहा गया कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में जमीनों पे कब्जा करता है तो कोई DMSSP उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, जो क्लासिफाइड महबूबा मुफ्ती का ऑर्डर हमने पब्लिक डोमेन में पहली बार लाया और उसे निष्क्रिय करवाया। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को सिलेक्टेड एरियाज में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के अराउंड केवल और केवल जम्मू संभाग में हिंदू डोमिनेटेड सिटीज में, टाउन्स में, एरियाज में स्थापित किया गया। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई कि रिवर तवी, जिसे सूर्यपुत्री कहा जाता है, जिसे भगवान का दर्जा है हमारी थियोलॉजी में, उसकी छाती पे कब्जा किसने किया है? 668 लोगों की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई और रिपोर्ट किसने बनाई? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जम्मू, असिस्टेड बाय DC जम्मू, डिवकॉम और पूरा रेवेन्यू का अमला। उन्होंने कहा कि 668 लोगों ने रिवर तवी मां तवी की छाती पे कब्जा किया है विद इन जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट्स। 667 मुस्लिम्स हैं, इसके जरिए लैंड जिहाद किया गया।